मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर से एक पुलिस वाले की गुंडागर्दी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये पुलिस वाला अपने पड़ोसी की जान का दुश्मन बना हुआ है। इसने अपने पड़ोसी पर जानलेवा हमला किया, उसके बावजूद पुलिस इस पुलिस वाले को बचाने में लगी रही। जब घटना का वीडियो वायरल हुआ तो दिखावे के लिए गुंडई पर उतारू पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के अच्छे कामों को एक पुलिस वाले ने ही पलीता लगा दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के गृह जिले सीहोर में गुंडागर्दी पर उतारू इस पुलिस वाले को बचाने के लिए पूरा पुलिस महकमा सक्रिय हो गया था। वो तो अचानक पुलिस वाले, उसके परिवार वाले और उसके भाड़े के लोगों का ये वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद दिखावे के लिए पुलिस को इसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई करना पड़ी। ये पुलिस वाला लंबे समय से अपने पड़ोसी को इसलिए परेशान कर रहा था कि वो अपना मकान छोड़कर भाग जाए, और इसकी गुंडागर्दी के चलते ऐसा हो भी गया। वैशाली नगर में रहने वाला पुलिस आरक्षक दरियाब सिंह ने अपने पड़ोसी पर गुंडे बुलवाकर रॉड और बंदूक और पत्थरों से हमला किया। इन हमलावरों को जब लगा कि ये सब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाएगा तो इन गुंडा पार्टी ने सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया, लेकिन इस सब के बावजूद ये घटनाक्रम रिकॉर्ड हो गया। इस सब के बावजूद पुलिस ने पुलिस वाले की शिकायत पर पीड़ित पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। बाद में मामले के तूल पकड़ने पर काउंटर FIR कर गुंडागर्दी करने वाले पुलिस वाले को निलंबित कर दिया गया। दरअसल पीड़ित ओम प्रकाश चंद्रवंशी अपनी पत्नी ममता और दो बच्चों के साथ वैशाली नगर में इस पुलिस वाले के घर के सामने रहता है। चंद्रवंशी देवास में SBI बैंक में नौकरी करता है। पिछले एक वर्ष से पुलिस वाला लगातार इनसे झगड़ा कर रहा है। इसकी शिकायत भी पूर्व में की गई, लेकिन पुलिस ने पुलिस वाले के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। मैं ममता चंद्रवंशी, वैशाली नगर निवासी। मेरे पति का नाम ओम प्रकाश चंद्रवंशी, वो सवर्णवधित विकलांग है और देवास में SBI बैंक में जॉब करते और वो अक्सर देवास में रहते हैं। और मैं यहाँ पे, मैं अपने दोनों बच्चों के साथ यहाँ सीहोर में मकान बनने पर यहीं पर रहती हूँ। और मुझे विगत एक साल से मुझे वो दोनों आदमी औरत बहुत दबाव में रख रहे हैं। मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिया। मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, अगर थोड़ी थोड़ी बात को लेकर रोज गाली गुफ्तार करना, और मैं उसका विरोध भी नहीं कर पाती। वो हरिजन है, इसकी धमकी। वो बताती है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, ना कोई मेरा SP कोई कुछ कर सकता, ना कोई TI। हम हरिजन है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसी तरह करते करते लॉकडाउन में भी परेशान किया, और सारे कॉलोनी वाले भी उसकी इस हरकतों से परेशान हैं, और वो भी उसके इस बर्ताव से डरते हैं गवाही देने के खिलाफ। और उस दिन तो हद ही हो गई, उसमें गुंडे बुलवा के रखे थे और हथियारों के साथ मेरे घर पे प्रहार किया। पूरे सुरक्षा के हिसाब से SP सर के पास गई थी मैं, तो उन्होंने कैमरा लगाने के लिए कहा, और कैमरा लगाने के बाद उस औरत ने हमेशा की तरह मुझे 10 घंटे तक गालियाँ दी, और उसने वन में और लोगों से बात करके गुंडे बुलवाए और हथियारों के साथ मेरे घर पर प्रहार किया। उस समय मैं और मेरी छोटी बच्ची और मेरे जिस पति को सुनाई ना देने की वजह से उसने सबसे ज़्यादा फायदा मेरा उठाया, क्योंकि सक्षम व्यक्ति से तो वो लड़ नहीं सकती। और उसने मेरे आदमी पर प्रहार किया और उसके बाद घर पर घुसा, उसके आदमी ने मेरा हाथ मरोड़ा, साड़ी ऊपर करी, और मेरी बच्ची का भी गला मस्का उन लड़कों ने, और पूरा सामान वामान भी तोड़ा, और मेरे पति को ही पटक का बनियान फाड़ी, सर पे भी प्रहार किया। और इतने में मेरा देवर आया मुझे बचाने, तो वो मारने के लिए बाहर निकले और मेरे देवर के तूप पर प्रहार किया। अब इन सब घटनाओं की मेरी कोतवाली में कोई रिपोर्ट तरीके से नहीं लिखी, पहले उसी व्यक्ति की रिपोर्ट लिखी गई। और SP सर से अभी मेरी मुलाकात नहीं हुई है, मैंने आवेदन दिया है, कृपया मेरे लिए कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिवार की ममता ने बताया कि एक साल से पुलिस आरक्षक और उनकी पत्नी गाली गलौज कर डराते हैं और धमकी देते हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और बीते दिन पुलिस आरक्षक और उसकी पत्नी ने मारपीट की, तब इस मामले की शिकायत SP से की गई। तब SP ने पीड़ित परिवार को कैमरे लगाने की सलाह दी। उसके बाद भी आरक्षक और उसके गुंडों ने चंद्रवंशी परिवार पर प्राणघातक हमला बोल दिया। ये पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। जबकि CCTV कैमरे में साफ साफ दिख रहा है पुलिस आरक्षक की पत्नी और अन्य 3-4 युवकों ने किस तरह रॉड और बंदूक से पीड़ित परिवार पर जानलेवा हमला किया। वो तो घटना का CCTV वायरल हो गया और मजबूरी में पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। पीड़ित ओम प्रकाश की पत्नी ने बताया कि उनके पति विकलांग हैं, उन्हें सुनाई नहीं देता, वह अपने घर में अकेली बच्चों के साथ रहती हैं, जिससे इस हमले से पूरा परिवार खौफ में है
और डर के मारे सहमा हुआ है और पुलिस आरक्षक के किए गए हमले के बाद ये परिवार घर छोड़कर अपने गांव गुड़भेला में रह रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने कोई बड़ी कार्रवाई पुलिस वाले के खिलाफ नहीं की, बल्कि उल्टा हमें ही डराया धमकाया जा रहा है। जब मुख्यमंत्री के गृह जिले में पुलिस की गुंडागर्दी के ये हाल हैं, तो बाकी जगह का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है कि पुलिस किस तरह से काम कर रही होगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।